बोली प्रारंभ की जाए शिवदत्त श्री। जी महाराज। चीन से आने वाली रेशम के बदले नीलम के व्यापार के लिए पौरव राज्य को सर्वाधिक कर 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हैं हमारे चीन के व्यापारी चांगली। बधाई हो। बंग देश की मलमल के बदले मिर्ची के व्यापार के लिए पौरव राज्य को सर्वाधिक कर 5,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हैं मिस्र के व्यापारी मसहारता। बधाई हो मसहारता। लौंग इलायची और दालचीनी के बदले तांबा और पीतल के व्यापार के लिए पौरव राज्य को सर्वाधिक कर 10,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हैं हमारे सूडान के व्यापारी अनी कुंदे। बधाई हो। इस वर्ष के लिए बोली समाप्त हुई। पौरव राष्ट्र की जनता को बताते हुए मैं अति प्रसन्न हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमें अधिक लाभ हुआ है। फायदा अगर कम हो तो वो भी नुकसान ही होता है हुजूर। बिना अनुमति सभा में हस्तक्षेप करना पौरव राष्ट्र में अपराध होता है। प्रजा के बीच से आई आवाज या तो विद्रोह की होती है या विनती की। सामने आकर दिल की बात करो। हजूर, खाकसार फारस का एक छोटा सा कारोबारी है डराइस। व्यापारी हो रिविराज सभा के बीच में बोलने का संकट लिया। जोखिम से डरूंगा तो मुनाफा मुआफ नहीं करेगा हुजूर। मैं भी बोली लगाना चाहता हूं। क्या सुना नहीं? इस वर्ष के लिए बोली समाप्त हो गई है, अगले वर्ष आना। जैसा हुजूर चाहे, मगर जैसा आपने कहा मैं भी दिल की बात रखने की ख्वाहिश रखता हूं। आपको इस सारे कारोबार का महसूल 2 करोड़ सोने के सिक्के मिला है। मैं आपको इस सब का 10 करोड़ देने को तैयार हूं। Thank you.
ज्येष्ठ, मुझे इस व्यापारी की मंशा ठीक नहीं लग रही। अनुसुया, मैं इस समय व्यापार के विषय पर नहीं, अपनी हार के विषय पर विचार कर रहा हूं। कहिए हुजूर, इस छोटे से कारोबारी की यह पेशकश मंजूर है? छोटा सा व्यापारी, फिर भी 5 गुना अधिक धन देने को प्रस्तुत हो, क्या लाभ है तुम्हें? गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, मगर फायदा कारोबारी की बेगम होती है और बेगम पर्दे में ही अच्छी लगती है। आप अपना खजाना 5 गुना करें और मुझे मेरे 2 निवाले कमाने दें। आपका क्या कहना है? तक्षशिला नरेश, यहां पर राष्ट्र के लाभ पर विचार विमर्श हो रहा है, तक्षशिला से मंत्रणा क्यों? क्योंकि झेलम की धारा तक्षशिला से भी होकर निकलती है, इसलिए तक्षशिला की विचारधारा हमें ज्ञात होनी चाहिए। कहिए अंबिराज, प्रतियोगिता में जीत आपकी हुई है, निर्णय का अधिकार भी आपका। आप अपने विचार ना रखना चाहे ठीक, परंतु ये सवाल केवल आपसे नहीं तक्षशिला से है। और आपका मुख बता रहा है कि आप अपने भाई की बातों से सहमत नहीं हैं। राजकुमारी अनुसुईया, प्रश्न मेरी सहमति का नहीं है, राजा की मति का है पौरव नरेश। जो 10 मूल्य की वस्तु के 50 दे दे, वो या तो मूर्ख होता है या फिर धूर्त। और मूर्ख और धूर्त दोनों का ही साथ विनाशकारी होता है। जिसका प्रस्ताव ही अविश्वसनीय हो, वो स्वयं विश्वास का पात्र नहीं होता। तक्षशिला कुमारी आपको भ्रमित कर रही है महाराज। पारस के व्यापारी दरायस, कोई मूर्ख ही होगा जो तुम्हारा प्रस्ताव ठुकराएगा, और कोई महामूर्ख होगा जो राजकुमारी अनुसुईया की बात का मर्म न समझे। हमारे यहां व्यापार का आधार
सिक्कों की खनक नहीं, विश्वास की चमक है। हम धन के लिए व्यापार नहीं करते, वो हमारे यहां प्रचुर मात्रा में है। हम व्यापार संबंध बनाते हैं संस्कृति के आदान प्रदान के लिए। पहले विश्वास अर्जित करो, व्यापार पर फिर कभी चर्चा होगी। परंतु महाराज, इससे हमें हानि होगी। कल ग्लानी हो, उससे अच्छा है कि आज थोड़ी हानि सह ली जाए। शिव दचरी, सभा समाप्त। ये मीठा शहद है आपके लिए, पौरव राष्ट्र की ओर से एक भेंट। शत्रु को भी हम मिठास के साथ विदा करते हैं। और मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूं कि कब हमारे बीच की ये शत्रुता हमसे विदा हो। हमारी बीच की यह शत्रुता देश के लिए शुभ नहीं है, भारत के लिए अशुभ है। जिस तरह से पात्र से छलका हुआ शहद चींटियों को आमंत्रित करता है, ठीक वैसे ही मुझे ऐसा आभास होता है जैसे तक्षशिला और पौरव राज्यों का बैर हमारे भारत पर विदेशियों को आक्रमण करने के लिए आकर्षित करेगा। पहनकर प्रजा के सामने अंबिरा जीवित तट पर नहीं लौटना चाहिए। और मदिरा लाओ। क्या इस शत्रुता का कोई हल नहीं है? कुछ वृक्ष ऐसे होते जिन्हें कितना भी काट दो उनकी जड़ें जाती नहीं। उन्हें नष्ट करने का एक ही मार्ग है, उसके समीप एक और वृक्ष बो दिया जाए। और मैं समझ रहा हूं तुम मेरी बहन के मन में कौन सा बीज बोना चाहते हो।
तुम पूर्व वंशों की सोच में ही षड्यंत्र छुपा होता है। तुमने मेरे प्राण बचाए, इसके पीछे भी अवश्य ही तुम्हारी कोई योजना होगी। सोच सोच समझ कर चुननी चाहिए अंबिराज, क्योंकि सोच को सच बनने में समय नहीं लगता। आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद होगी। बमनी से निकटता की कोई आवश्यकता नहीं अनुसुया। परंतु उन्होंने आपके प्राण बचाए हैं जिष्ट, उसके पश्चात उस विदेशी व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा है, हम पर विश्वास किया। जिनके विश्वास में भी विष का वास हो उनके समीप नहीं रहते अनुसुया। सांप काटे या सूंघे, घातक दोनों ही होते हैं। आज तुम पौरव राष्ट्र की सीमा नहीं, अपनी मौत का घाट पार करोगे अंबिराज। जानता था मैं तुम पौरव दो मुए सर्प हो अंबिराज।